यूएस सोयाबीन वायदा भी लगातार तेज देखने को मिल रहा है। यूएस सोयाबीन वायदा $1,550 के पार निकला है। अमेरिका से चीन को सोयाबीन का निर्यात ज्यादा हो रहा है, वहीं ब्राजील और अर्जेंटीना में सूखे के चलते सोयाबीन का उत्पादन कम रहने का अनुमान है, जिससे सोयाबीन की वैश्विक आपूर्ति कम रह सकती है। विदेशों में सोयाबीन की आपूर्ति कम रहने की चिंता से कीमतों में उछाल देखने को मिल रहा है। भारत में मंडियों में सोयाबीन की आवकों में काफ़ी कमी देखने को मिल रही है, लेकिन सोयाबीन का घरेलू बाजार इतना तेज देखने को नहीं मिल रहा है जितना विदेशी बाजार देखने को मिल रहा है। बाजार के जानकार मोतीलाल ओसवाल के वाइस प्रेसिडेंट अमित सजेजा के मुताबिक सोयाबीन की कीमतें अभी एक सीमित दायरे में हैं, जो कि 6100 से 6500 का है। सोयाबीन में ऊपरी स्तरों से दबाव के साथ साथ निचले स्तरों से खरीदारी भी देखने को मिल रही है। अमित सजेजा के मुताबिक 2 महीने में सोयाबीन की कीमतों में 6900 तक का स्तर देखने को मिल सकता है, और अगर कीमतें 6900 के ऊपर सस्टेन होती हैं तो 7300 से 7400 तक के भी स्तर देखने को मिल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।